अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरे इन लेक्चर्स से मुस्तफीद हो रहे होंगे। आज ET2, MT2, CT2 के लिए मैथमेटिक्स कोड 233212, एक्सरसाइज 6.28.2, 6/1/2021। इन एक्सरसाइज का सिलसिलेवार क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, जो कि पार्ट नंबर 3 आपने खुद करना है, वो सिमिलर है पार्ट नंबर 2 के। लेट आई इक्वल्स टू डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। आप डी एक्स को साइड पे कर लें, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की सब्स्टिट्यूशन जो है वो बनती है, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा, डी एक्स ओवर डी टी ए डी ओवर डी टी टेन टी, डेरीवेटिव tan t का सीकेंड स्केयर t, डी एक्स ओवर डी टी डी एक्स इधर ही रहेगा, डी टी दूसरी तरफ जाके सर खा लेगा। अब डी एक्स की वैल्यू जो है आप इंटीग्रेशन में पुट कर दें और x की जगह a स्केयर t tan स्केयर t अंडर रूट और डी एक्स की जगह ए सीकेंड स्केयर टी डी टी। अब इंटेग्रल 1/, दोनों में से ए स्केयर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या आएगा, 1+tan² t अंडर रूट ए सीकेंड स्केयर टी डी टी। फिर यहाँ पे इंटेग्रल 1/ ए स्केयर सीकेंड स्केयर टी अंडर रूट ए सीकेंड स्केयर टी डी टी और ए स्केयर सीकेंड स्केयर टी अंडर रूट हटा दें तो 1/ ए सीकेंड टी और ए सीकेंड स्केयर टी डी टी, ए से ही कैंसिल हो जाएगा, सीकेंड से एक सीकेंड कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल सीकेंड टी डी टी। अब सीकेंड इंटेग्रल का इंटेग्रल जो है वो लॉग साइन टी प्लस टैन टी प्लस सी। आप सीकेंड स्केयर को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर टी का अंडर रूट, फिर सीकेंड स्केयर टी का अंडर रूट जो है वो बराबर होता है 1+tan² t अंडर रूट इंटू टैन टी। हमने सीकेंड को टैन में क्यों चेंज किया, ताकि हमने जो वैल्यू पुट की हुई है एक्स इक्वल्स टू ए टैन टी की फॉर्म में ले आए। तो अब ये आ जाएगा 1+tan² t अंडर रूट प्लस टैन टी प्लस सी। अब यहाँ पर फिर देखें, सिंस वी नो दैट एक्स इक्वल्स टू ए टैन टी, ए टैन टी इंटू एक्स, टैन टी इधर रहने दें, ए इधर मल्टीप्लाई रहा दूसरे तक जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम टैन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, आई इक्वल्स टू लॉग मॉड अंडर रूट 1+x/a का स्केयर प्लस x/a प्लस सी। अब x का स्केयर a का स्केयर, अंडर रूट के अंदर एलसीएम ले लें, ए स्केयर प्लस x² / a² अंडर रूट x/a। अब ऊपर वाली का अंडर रूट नहीं निकल सकता क्योंकि ए स्केयर एक्स स्केयर में प्लस है तो वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगी, नीचे वाले ए स्केयर का अंडर रूट ख़त्म होकर नीचे a आ जाएगा। अब आई लॉग ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट ओवर a प्लस x/a प्लस सी, दोनों का एलसीएम ले लें, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट प्लस x/a। अब यहाँ तक होप आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर बस तरतीब से लिख लें क्योंकि आंसर इस तरह लिखा हुआ है, I इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट ओवर ए का मॉड प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 ET2 के लिए और MT2 और CT2 के लिए 8.2 है। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, होप कि आपको समझ आ गई होगी।